मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने रायसेन जिला मुख्यालय पर सांची विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीसी गौतम के पक्ष में एक आम सभा की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, प्रदेश की भाजपा सरकार 40-50% कमीशनखोरी पर चल रही है और महिला और नाबालिग छात्रों के अत्याचार और ज्यादती के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल बना हुआ है। उन्होंने जन समुदाय से आग्रह करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी पीसी गौतम को 17 नवंबर के विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जिताए, विकास कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। सब सम्मानित है, आप सब भी सम्मानित है, तो बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। बहुत बहुत खुशी हुई, हमारे रायसेन की पहचान हमारे किसान भाई अन्नदाता से, हमारे रायसेन के अन्नदाताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। रायसेन की जनता प्यार और सम्मान की होती है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज आके आपके बीच में मुझे खुशी तो होती है, पर साथ साथ ये दुख होता है कि आज रायसेन जिले, आज इस सांची क्षेत्र का क्या है, चौपट प्रदेश, क्या ये मध्य प्रदेश है या चौपट प्रदेश है? चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट सुरक्षा व्यवस्था, ये चौपट प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने। अभी कुछ साथियों ने कांग्रेस ज्वाइन किया, उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस का साथ केवल नहीं दिया, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, जिन्होंने